चिल्ड्रेन पुनः आज हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं परसेंटेज ऑफ गिवेन नंबर। पीछे क्लास में हम लोग इसके बारे में डीपली पढ़े हैं। आज हम कुछ प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे, हम बताएंगे कैसे सोल्यूशन होता है। ऐसे आप देख लीजिए, एग्जांपल में यहाँ पर सवाल है आपका 20% ऑफ 500। आप प्रतिदिन मार्केट जाते हैं, मार्केट से कोई वस्तु खरीदते जाते हैं तो वहाँ एक तख्ती लगा होता है 20% छूट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया जाए कि ये 500 रुपये का कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं और दुकानदार वहाँ पे 20% रिबेट दे रहा है, छूट दे रहा है, तो आखिर हमको पैसा देना है, हम कितना देंगे ये जानकारी हमको होना चाहिए। तो आप देखें इसको कैसे कितना में मिलेगा 20% ऑफ 500। आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, परसेंटेज जो होता है 100 के बिहाफ में होता है, तो 20% है तो यहाँ पर देखें 20/100 ऑफ 500, ये देखिए मल्टीप्लाई 500, ठीक है। अब देखिए इसको आप आसान तरीका है, जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल कर दीजिए, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में 20 है और यहाँ 5 बचा हुआ है, 20/25 100। यानी आप ऐसे समझें कि कोई भी वस्तु अगर 500 रुपये का है और उस पर 20% रिबेट मिल रहा है, यानी 20% अमाउंट क्या हुआ 100 रुपीज, यानी 500 की का वस्तु जो है वो हमको 400 रुपया में मिलेगा। इस तरह से हम प्रतिशत को निकालते हैं, तो ये हो गया। अब आइए उसी तरह से सेकंड है 25% ऑफ 1080, 25% निकालना है आपको 1080 यानी 1080 का। आप उसी तरह से देखेंगे 25% 25/100 कितना का निकालना है 1080, ठीक है। अब इसको काट लीजिए ऊपर नीचे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 × 10 5 × 25 नीचे 2 बचा हुआ है, ऊपर में 5 है तो 2 से 5 नहीं कटेगा, तो हम फिर देखेंगे यहाँ बचा हुआ है 108, तो 2 × 10 और 2 × 4 8, 2 से कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बच गया, ऊपर में 5 बच गया और 54 बच गया, इसको आप 5 × 54 कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 20 5 × 25 25 × 2 27, ये आपका 270 निकल गया, यानी 25% इक्वल 270 रुपीज। थर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे हम लोग, यहाँ पर है इसको 25/2% है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा और क्लियर होकर के देख ले, ये 25/2 है परसेंट में, आप ऊपर में भी निकाले हैं परसेंट के भी आपने 100 किया है, तो आप ऐसे करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 2 है, और भागा को उल्टा क्या होता है गुना, संख्या उलट जाता है, तो 1/100 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप 100 कर दीजिए, कितना पर निकलना है आपको 240, ठीक है। अब इसको देखिए 25 से 4 बार में काट दीजिए, 25 × 100, 4 से काट दीजिए, 4 × 6 = 24, 60 हो गया, यहाँ पे यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 से आप 60 को काट दीजिए, 2 × 3 = 6 यानी 30 रुपीज, ये हुआ आपका आंसर। यानी आप जान लें कि 240 का
25 बटे 2 यानी 12.5% अमाउंट क्या होगा 30 रुपीज। क्लियर? अगर आप समझ गए हैं, विश्वास है आप सीख लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब कुछ आपके लिए होमवर्क है, आप इसको देखेंगे, घर से बना के लाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर 6 प्रॉब्लम दिया गया है, जैसे 30% ऑफ 2000, ये 2500। सेकेंड देखिए 27% ऑफ 1000। थर्ड है 35% ऑफ 120। फोर्थ है 5% ऑफ 240। फाइव है 15/2% ऑफ 600। अगला है 25/2% ऑफ 480। ये आप घर से सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है? अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। थैंक यू।